1998 से वर्ष 2013 तक स्कूल मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्कूल रहा जिसके छात्र लगातार 13 वर्षों से नवोदय विद्यालय में पहुंचे। इनकी श्रेष्ठ शैक्षणिक सेवाओं को देखते हुए इन्हें राज्य स्तरीय आचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं सिंहस्थ 2016 में भारत स्काउट गाइड्स व सिंहस्थ सेवा दल के 16 कैंपों के सांवराखेड़ी शिविर का संचालक बनाया गया। यहां आपकी उल्लेखनीय सेवाओं के चलते तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ शिविर संचालक के रूप में पुरस्कृत किया गया। विदाई समारोह पर आपकी अनुकरणीय शिक्षा और छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए आपको याद करते हुए युवा शिक्षकों से इसे आत्मसात करने का आह्वान किया गया। देने के साथ ही कई उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कराने वाले कर्मठ कर्तनिष्ठ शिक्षक मोहन सिंह चौहान ने 31 मई 2023 को अपना सेवाकाल पूर्ण किया। इस अवसर पर उनके ऐतिहासिक विदाई समारोह में सैकड़ों की संख्या में इनके इष्ट मित्र व सहकर्मी शामिल हुए तथा इन्हें भावभीनी विदाई दी। उल्लेखनीय है कि शिक्षक पद पर रहते हुए इन्होंने अपने दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ निरावरण करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की। चिंतामन गणेश प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ रहते हुए इन्होंने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि वर्ष आज की स्थिति में मैंने कांग्रेस का किसी भी प्रकार का पद वर्तमान स्थिति में मैंने नहीं संभाला है। मेरा कल 31 मई को मेरी सेवानिवृत्ति हुई। मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस उच्चेत का संभाग अध्यक्ष रहा। इसी के साथ हमारे साथी कर्मचारियों की सभी सभा के संगठन है उसका मैं जॉइंट फोरम का अध्यक्ष रहा। विगत 41 वर्ष तक मैंने शासकीय सेवा की और इस शासकीय सेवा में मैं शिक्षक के पद पर जो कार्य किया, मुझे मेरे शिक्षा विभाग, मेरे अन्य समाज सामाजिक संस्थाएं और मेरे मीडिया साथी और मेरे इष्ट मित्र, इन्होंने इतना सहयोग दिया मुझे हर क्षेत्र में। तो सेवानिवृत्ति के समय मेरे परिवार में और मेरे प्रति एक मेरी भावना हुई कि जिन्होंने ताजीवन हमें इतना सम्मान दे उसका सम्मान सेवानिवृत्ति के अवसर पर हमें करना चाहिए। आपने देखा होगा कल सबने उस सम्मान को साकार करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये कहने के लिए अभिभूत हूँ कि जो सम्मान हमें 41 वर्ष मिला कल 31 से उससे कई गुना अधिक बढ़ गया और मैं उन सभी लोगों का अंतर मन से धन्यवाद किया। जहाँ तक आपने पूछा कांग्रेस का